जिन भी लोग का लॉन्ग टर्म यूके के अंदर रहने का प्लान है चाहे वो एज अ स्टूडेंट हो या एज अ स्किल्ड वर्कर हो शायद ये न्यूज उनके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगी क्योंकि तीन बहुत बड़े अपडेट आए हैं यूके गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें से जो लास्ट वाला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो को लाइक करना जिसमें सबसे पहला जो रूल है वो ये है राइजिंग द मेन स्किल्ड वर्कर वीजा सैलरी थ्रेशोल्ड टू थर्टी एट थाउजेंड पर ईयर विच इट इज क्लेम्ड विल रिड्यूस लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन बाय फिफ्टी फोर थाउजेंड इमिग्रेंट्स पर ईयर अभी के केस में अगर आप यहाँ आई एल आर अप्लाई करते

डी यूके के अंदर कर रहे हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको टू ईयर थ्री आपको एडिशनल वीजा मिलता है बिना किसी जॉब ऑफर के तो वो शायद प्रपोज किया गया है कि अब ना मिले तो अगर आप पढ़ने आ रहे हैं या किसी भी जॉब रिलेटेड करने आ रहे हैं आपके पास पहले ही जॉब होनी चाहिए ताकि आप अपने पे को बढ़ा सके नहीं तो आपको मैक्स टू मैक्स फोर मंथ्स के बाद वापस अपनी होम कंट्रीज में जाना पड़ सकता है नेक्स्ट आपका अपडेट आता है राइजिंग द इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज टू टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड पर ईयर तो ये एक बहुत बड़ा जंप है यूके गवर्नमेंट की तरफ से जो करंट केस में अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो आपकी साल की अप्रोसीमेटली सिक्स हंड्रेड फोर्टी के आसपास आपका हेल्थ सर्चार्ज है जो अभी बढ़कर टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड होने वाला है तो आप लगा सकते हैं अगर आप दो ईयर आप स्टडी के करने आ रहे हैं या अगर आप तीन ईयर स्टडी के आप यहाँ पर करने आ रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट आपको पर ईयर टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड के आसपास जो आपका थर्टीन थाउजेंड होता है अगर आपको कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप भी मिलती है थ्री ईयर्स और फोर ईयर्स वो भी अप्रोक्सीमेटली टेन थाउजेंड अबव हो जाता है जो मैं बोलूंगा बहुत बड़ा राइज है तो जो भी लोग यहाँ यूके के अंदर पढ़ने आ रहे हैं या स्पॉन्सरशिप जॉब करने आ रहे हैं तो वो पहले सोच लें ये चेंजेस होने वाले हैं तो आप किसी और कंट्री को भी प्रेफर कर सकते हैं तो अगर आप यूके के अंदर घूमने आ रहे हैं या आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है अब वो देख सकते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाय बाय टेक केयर